निकल गए इसमें? इसमें 5 जनरेशन निकल गई थी सर, बनाए बनाने में 3 राजाओं का इम्पोर्टेंट रोल रहा, राजा मानसिंह, राजा जयसिंह, सवाई जी से। उसके बाद में युद्ध वगैरह होने गए थे, कम पानी की समस्या रहती थी किले में, जयपुर सिटी बसाया गया। वहाँ पर सिटी पैलेस है, 1727 के बाद में रॉयल फैमिली सिटी पैलेस में शिफ्ट हो गई थी सर, जो अभी तक भी वहीं पे रहती है। तो आप ये जो देख रहे हैं वो है शीश महल। हमारे गाइड ने हमको बताया कि जो शीश महल के जो मिरर वर्क है उसके लिए शीशे बेल्जियम से मंगवाए गए थे। तो इतना डेलाइट है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। डेलाइट के बावजूद भी ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अगर इवनिंग रहेगा, शाम रहेगा तो रिफ्लेक्शन लगेगा, पूरा डार्क स्टार दिख रहा है। यहाँ गाइड हमें बता रहे हैं कि जो रानियाँ थी वो बाहर रात में नहीं सो सकती थी, तो उनको तारे दिखाने के लिए राजा ने ये शीश महल बनवाया था। तो जब लैंप जलता था रात को तो ये सब तारे के जैसे चमकते थे। हम आपको आगे दिखाएंगे कि रात में कैसे चमकते थे। यहाँ पे गाइड हमें दिखा रहे हैं कि रात में शीश महल कैसे चमकता है, आप लोग भी देखिए। ये आपके घुटने से भी ऑक्सीजन से सी है, इसका फ़ायदा है। ये लग्जरी बाथरूम था टर्किश हमाम, उस पीरियड में एक मुमताज़ अंदर में नहाया करती थी, 1000 मुमताज़ नजर आया करती थी। कैसे, ये ऊपर में देखिए आप लोग, 1, 2, 3, इससे बहुत खूबसूरत मैं भी आपको अंदर में दिखाऊंगा, बहुत खूबसूरत अभी अंदर में दिखाएंगे मैडम एंड सर। जैसे कि लेडीज़ जब बॉडी नीचे मसाज वगैरह भी अंदर में बताऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए मेकअप बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है आप लोगों में, ये आज से देखिए हम लोग, ये ग्लास, ये मेकअप के लिए यूज़ किए जाते थे। अंदर में दो बाथ बनाए गए थे, एक समर के लिए भी यूज़ किया जाता था और एक विंटर के लिए। ये टर्किश हमाम चारों साइड में ग्लासेस लगाए गए। अब फुल व्यू मैं आपको अंदर में दिखाऊंगा, आराम से चलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेयर से आइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए, पहले देखेंगे उसके बाद फोटोग्राफी वीडियो दोनों करेंगे। यहाँ खड़े हो जाइए कोने पे, आप लोग यहाँ खड़े हो जाओ। आप छोटा सा पूरा अच्छे तरीके से मैं दिखाऊंगा, वो फोटोग्राफी कीजिएगा। रेडी, 1, 2, 3। विंटर में शीश महल में लैंप जलाते थे तो शीशे गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से यहाँ ठंड नहीं लगती थी। नाइस। इससे खूबसूरत व्यू और दिखाएंगे अभी। फोटोग्राफी कर सकते हैं सर आप लोग? नाइस, आइए मेरी साइड पे आइए, इससे अच्छा व्यू और दिखाएंगे। लेडी ऑफ कुमता जब बातें किया करती थी क्योंकि उस पीरियड में म्यूजिक नहीं थे, तो दासी हरम की लेडीज यहाँ पे खड़े होके म्यूजिक का यूज किया करती थी। ये देखिए आप, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे म्यूजिक बनाए गए। देखिए इफा, बंद क्यों कर दिया गया, ये देखिए आप, ग्रिप्स का बहुत शौक था तो आप लोग ग्रिप्स का ये देख सकते हैं। आज चीज इधर आइए, थोड़ा सा जल्दी आराम से आएंगे बल्ब पे। और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आठ चीज देखिए, और ऊपर में देखिए रियल ग्लास, ये ओरिजिनल है, ये उस पीरियड का ओरिजिनल है। और अब आपको मैं फुल व्यू दिखाऊंगा, इधर आइए आप लोग। फुल व्यू आप लोग देखेंगे आप, ओके। Okay.
राजा सीढ़ियों से जाते थे और रानियां रैंप से जाती थी, क्योंकि रानियां जल्दी थक जाती थी इसलिए उनके लिए रैंप बनाया गया था। ये है सीक्रेट टनल। जब युद्ध हुआ करता था तो राजा मानसिंह अपनी रानियों के साथ सीक्रेट टनल के थ्रू आमेर पैलेस से जयगढ़ पैलेस की तरफ चले जाते थे। ये टनल 1.5 किलोमीटर लंबी है। अब यहाँ से सुरंग सक्रिय हो गई है। ये सुरंग यहाँ सीधा जाएगी जयगढ़ फोर्ट की तरफ। इसके पहले पुराने वीडियो में हमने जयगढ़ फोर्ट दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जयगढ़ फोर्ट का वीडियो देख लीजिए। यह है सुरंग, खूबसूरती का नज़ारा। आगे है? आगे दो रास्ता है, ये पूरा किले तक रास्ता जाएगा 1.5 किलोमीटर। ये देखिए ये राजा महाराजा का खुफिया रास्ता है। जब कोई उन पर आक्रमण करता था तो इसी रास्ते से दूसरे महल में निकल जाते थे रानियों के साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। यहाँ पे कुछ चमगादड़ भी बैठे हुए हैं। जो छोटे अधिकारी होते हैं उनको छोटे वाले घर। ये सबसे बड़ी चाइना की, ये देखिए ये है मिनी चाइना वॉल बोलते हैं इंडिया की। गाइड ने हमें बताया कि पहले जयपुर शहर इस वॉल के अंदर ही बसा था। अच्छा, रानिया तीज और गणगौर का फेस्टिवल आपके बारे में आपने सुना? जैसे 12 दरियों का, हर दिशा के अंदर 3-3 दरवाजे इसके। तो ये सभी जगह गार्डन में रानियों का फंक्शन होता था, फेस्टिवल, रानी फेस्टिवल इस गार्डन में होता था। हाँ, जिसमें आपको पता है तीज और गणगौर में यहाँ की बांधनी साड़ी ओढ़ के बताते हैं, बांधनी के बारे में। ये रानी का स्नान ग्रह था जहाँ रानी नहाती थी। यहाँ पे 3 बोल है सर, एक गर्म, तो मैं आइए थोड़ा आगे जी। यहाँ पे गर्म के लिए, एक ठंडे के लिए, पानी को ड्रेन करने के लिए। तो 400 प्यासियाँ मिलती हैं, बीच में रानी हैं, गुलाब के फूल वगैरह हैं, तो रानियाँ वगैरह यहाँ पे स्नान किया करती थी। राजा उस टाइम पे वाइन और परफ्यूम लाया जाता था। अपन ने एंटर किया अंदर था, अंदर आने के बाद में रोशनी बिना लाइटिंग के, क्योंकि सनराइज इधर से मुँह कर रहा है, यहाँ पे रोशनी बना।
फ्लावर है वो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई है ना, तो थोड़ा ऐसा कवर करेंगे सर तो लुक्स लाइक ए स्कॉर्पियन जैसा बिच्छू, ऐसे कवर करेंगे स्नैक का फल जैसे नागदानी का फल, ऐसे जैसे फिश का बैक साइड है और ये एलिफेंट ट्रंक, एलिफेंट ट्रंक ये लॉन्ग टेल और इधर ये एलिफेंट ईयर साथ ही के ट्रंक, कलर नहीं है स्ट्रॉन्ग है, मुगल आर्ट का आता है उनका आता है ये है मैजिकल आर्ट। तो पहला काम ताजमहल से सेकंड काम है कैसा कब भी सक्सेस नहीं है, तो जोधा अकबर मूवी आपने देखा ना सर, ऐसा लगा एक गाना है कहने को जश्न बहारा है, तो गाना उसी वाले लोकेशन पे थी, कहने को जश्न बहारा है जब ऐसा लगा एक कबूतर उड़ा दिया, जब ऐसा लगा रूठ जाती है ऋतु विष्णु को मनाने आते हैं घोड़े से ऐसे रास्ते से आते हैं, राजा के टाइम पे राजा लोग एलिफेंट से यहीं से आते थे, मैंने टिकट लिया वहाँ पर उनको ड्रॉप किया, ये स्क्वायर वगैरह एलिफेंट का पार्किंग कर देता है, बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं जिसके स्टार्ट से पैदल चले घूमने चल रहे, गार्डन के राइट हैंड साइड पे आपको चेयर्स दिख रहा है सर, चेयर्स हैं तो इवनिंग में लाइटिंग साउंड होता है 7 to 8 minutes 8 to 9 minutes पूरे मैच में लाइटिंग पड़ती है साउंड के साथ, आमिर पैलेस के बारे में 11:37 से लेकर 7:20 ये शीशे से बनाया पेंटिंग है, राधा कृष्ण की मूर्ति सन 1700 ईस्वी की है, इन खम्भों में ये जो हाथी आप देख रहे हैं ये हिंदू सभ्यता को दर्शाता है और नीचे की तरफ जो कमल है वो मुगल सभ्यता को दर्शाता है। सर एक तो पूरा पैलेस में 99 टॉयलेट्स हैं, वो सभी बंद है, इसमें टॉयलेट्स जमाने में ओके, और इधर आने के लिए स्नान बाथ कैसा कर भी सरा, जब ऐसे में एक कबूतर उड़ा दी होती है, जब ऐसे में रूठ जाती है ऋतु विष्णु को मनाने आते हैं घोड़े से ऐसे रास्ते से आते हैं, राजा के टाइम पे राजा लोग एलिफेंट से यहीं से आते थे, मैंने टिकट लिया वहाँ पर उनको ड्रॉप किया, ये स्क्वायर वगैरह एलिफेंट का पार्किंग कर देता है, बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं जिसके स्टार्ट से पैदल चले घूमने चल रहे, गार्डन के राइट हैंड साइड पे ग्रीन लीव्स से यहाँ की हर पेंटिंग में नेचुरल कलर का यूज़ किया गया है, नीचे से पॉपर में